श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। वसंत विहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण धीर वर लाड़िलो ललन वर गाइए। श्री गिरिराज धरण धीर वर लाड़िलो ललन वर गाइए। आनंद श्री मथुराधीश श्री नटवरलाल श्यामलाल लाड़िलो ललनवर गाइए। व्रज की जीवन धन लाड़िलो ललनवर गाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। निरख निरख मंगल मुख की छवि बले 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 जाइए। जगत उजागर गाइए। जिनकी कृपा अनुग्रह ते श्री गिरिधर लाल लड़ाइए। अना सब सुख को लइए। जीवन को फल पाइए। जगत उजागर गाइए। चरण परस तन रूप दरस सब दुख दूर बहाइए। श्री वल्लभ गुण गाइए। या ते रसिक कहाइए। जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। वसंत विहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरवे नमः। सुप्रसिद्ध कीर्तनकार परम भगवदीय श्री कृष्णदास जी नायक के
पुष्टिवृंद के द्वारा हमने प्रथम बार रास के कीर्तन श्रवण किए, दूसरी बार श्री प्रभु चरण श्री गुसाई जी की बधाई गान, और अब यह तीसरी बार वसंत धमार के कीर्तनों का विविध कीर्तनकारों के मधुर कंठ से विविध रागों के द्वारा गान करने का सुंदर प्रयास होने जा रहा है। और इस प्रयास का मुख्य हेतु यही है कि सभी वैष्णव भी अपने घर पे इसी प्रकार कीर्तन गान कर अपने प्रभु को रिझाएं, लाड़ लड़ाएं। हमारे यहां बार मास की लीला, वर्षोत्सव की लीला सेवा चार युथाधिपति में तीन तीन मास की सेवा विभाजित है। उसमें सावन भादो आसो श्री स्वामी जी की सेवा है, कार्तक माक्षर पोष ये ललिता जी की सेवा है, महाफागुन चैत्र ये चंद्रावली जी की सेवा के दिन है, और वैशाख जेठ और अषाढ़ ये श्री यमुना जी की सेवा के दिन है। अभी चंद्रावली जी की सेवा के दिन चल रहे हैं, चंद्रावली जी की प्रधानता है। उसी प्रकार वसंत पंचमी से होली की पूर्णिमा तक 40 दिन की सेवा, और उसमें प्रथम 10 दिन वसंत के जो सात्विक लीला है वो यमुना जी की सेवा की प्रधानता है। उसके बाद दूसरे 10 दिन वो धमार लीला, ये राजस लीला है, और ये चंद्रावली जी की सेवा की प्रधानता है इन दिनों में। फिर और 10 दिन वो फाग लीला जो तामस लीला है, और उन दिनों में ललिता जी की सेवा की प्रधानता है। और अंत में 10 दिन वो होरी लीला, निर्गुण लीला, वो स्वामी जी की सेवा की प्रधानता है। वसंत लीला 10 दिन की, होरी खेल लीला 1 महीना की, क्योंकि वसंत क्रीड़ा 10 भाव वाली, 10 प्रकार की और 10 दिन की है, और ये उद्दीपन भाव है। फिर बचा 1 मास, वो आलंबन भाव है। उद्दीपन भाव से 3 गुना आनंद आलंबन भाव में है। वर्ष के 320 दिन साधन रूप हैं, और ये 40 दिन फल रूप हैं। गोपी जनों ने वर्ष के 360 दिन में से 320 दिन जो अनेक विध साधना करके प्रीतम से मिलाप हो पाता है, नहीं हो पाता, पर यह 40 दिन में तो निशंक भक्त जनों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसीलिए ये फलरूप 40 दिन है। एक पद भी हमें प्राप्त होता है कि मन मेरे की इच्छा पूरी, आयो मास फागुन को नीको। जो साधना 320 दिन करी गोपी जनों ने, और 40 दिन में उसका उत्तम फल प्राप्त हुआ, ये सख्य लीला है। इसीलिए सख्य लीला के दिन में ठाकुर जी के खेल के समय सर्वप्रथम चरणारविंद को ढांकते हैं, क्योंकि जहां चरणारविंद दिखते हैं वहां महात्म्य ज्ञान प्रकट होता है, सख्य भाव तिरोहित होता है।
इन धमार के पदों में हमें गौचारण लीला, भाग लीला, दान लीला, पनघट लीला इत्यादि लीलाओं का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। आओ हम भी इन पदों के द्वारा, इन पदों के श्रवण के द्वारा वल्लभ सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए, अपने तन मन को प्रभु के रंग में रंगें। आओ हमारे जीवन को धन्य बनाए। आओ आज हम प्रथम पद राग खट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके शब्द हैं हरि संग होरी खेलन आई। आज श्री राधा जी हरि के संग होरी खेलवे पधारी हैं, साथ में चंद्रभागा चंद्रावली भामा सखी को लेकर आई हैं। चोवा चंदन अगर कुमकुमा सुरंग गुलाल उड़ा रही हैं, रत्न जड़ित पिचकारी हस्त में लेकर रंग भर भर के कुंवर कन्हाई के ऊपर छिड़क रही हैं। वहां पे ताल मृदंग डफ नगारे आदि वाद्य के नाद हो रहे हैं, बीच बीच में श्री मंडल सहनाई मुरली भी बज रही है और ठाकुर जी स्वामी जी के परस्पर खेल की उपमा कहाँ तक वर्णन करें। सूरदास जी इस छवि पर बलहारी जाते हैं और बार बार मुस्काते हैं। आओ राग खट में हम इस पद का श्रवण करें, हरि संग होरी खेलन शनगारे दाई।
परस खेलत ये प्यारी उपमा बरनी न जाई जाई। सूरदास बल जाई बदन की, सूरदास बल जाई बदन की, निरख निरख संग होरी खेलन आई, हरि संग होरी, हरि संग होरी, हरि संग होरी खेलन आई, खेलन आई। आओ अब राग सुगराई में पद का श्रवण करें। शब्द हैं फगुआ के मिस छलबल लाल को रंगन रगमगो कीजे। खेल के समय जो हम ठाकुर जी के पास, छाप या थाल में जो हम भोग ढककर पधराते हैं, उसमें ज्वार की धानी, चना, सूखा मेवा, खजूर, मावा के थाल, दूधगर की सामग्री इत्यादि को हम प्रायः फगुआ कहते हैं। पर फगुआ का एक तात्पर्य ये भी है कि रीझने के बाद बख्शिश, इनाम, भेंट के रूप में मन भाया कुछ देना, वो भी फगुआ है। रस रूप फगुआ यहां पे बांटा जा रहा है। प्रसन्न होकर देना वो भी फगुआ है। कई कई पद में हमें यह भी वर्णन मिलता है कि विहसन फगुआ देत, यानी विशेष हास्य रूपी फगुआ भी ठाकुर जी देते हैं। कोई पद में फगुआ में मुरली दई, मुरली दे रहे हैं। किसी पद में आपका जो वेद स्वरूप मर्यादा रूप पीताम्बर है उसको दूर करके मुरली छीन ली। कोई पद में प्रभु घनश्याम दियो मन मेवा फगुआ प्राणन प्यारी, यहां मन रूपी मेवा फगुआ में प्राण प्यारी को दिया, अर्थात आप उनके अधीन हो गए। प्रस्तुत पद में फगुआ की बात बताई कि फगुआ के मिस छलबल लाल को रंगन रगमगो कीजे। लाज शर्म करके घर में रहने वाली परकिया भक्त को सखी समझा कर कह रही है कि फगुआ मांगने के बहाने कुछ छल करके, यानी चालाकी से, बल अर्थात जबरदस्ती से लाल को रंग से तू तरबोड़ कर दे, रंग से रगमगा कर दे। आज भी व्रज में और कई गांव में यह प्रथा है कि अपने देवर से या किसी मनमाने व्यक्ति को पकड़कर होली के दिन में फगुआ मांगते हैं, उसके नेत्र आंजते हैं अंजन से, काजल से, क्योंकि को भलो बुरो जिन मानो रंगन रंग हो रही है। होली में कोई बुरा नहीं मानता, उससे बल जबरी से हट पूर्वक खेचातानी होती है और उससे फगुआ मांगते हैं, उस पर रंग छांटते हैं। इस पद में कहा कि इन दिनों में संकोच मत कर सखी, और जो अपना मन भाया प्रिय है उसे पकड़कर उसके पास से तू सुख ले और तू उसे सुख दे, क्योंकि व्यवहार हमेशा परस्पर होना चाहिए। वो सखी कह रही है कि अब क्या करूं, घर से कैसे निकलूं, करत सेत को संकोच सकुच जिय इन सकुचन कही दो कहां कीजे। संकोच अपना हृदय को बला बला कर तू रखना ये क्या काम का, ऐसा संकोच रस के क्या करना, ऐसा संकोच रख के क्या करना। तो कह रही है कि घर को छोड़ या घर धर, यानी अपने धनी को छोड़,
क्योंकि अलौकिक धनी ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण करने वाले गिरधर के पास जाकर उनको रंग से प्रेम से भर फिर निद्रक निशंक होकर डर रखे बिना रसपान कर इस प्रकार मूल लीला की सहचरी गुरु रूप से दूसरी सखी को उपदेश कर रही है कि फगुआ के मिस छलबल लाल को रंगन रगमगो कीजे। आओ राग सुघराई में हम इस पद का श्रवण करेंगे। Oh,
डाग हिंडोल। शब्द हैं नंद नंदन नवल नागर किशोरवर, खेलत बसंत बन्यो रंग अति भारी। प्रस्तुत पद में कह रहे हैं कि आज नंद नंदन नवल नागरी के साथ वसंत खेल रहे हैं, आज भारी रंग मच रहा है। राग हिंडोल गाती हुई नवल नागरी रस में भींजी हुई परस्पर तारी दे रही हैं। आकाश में गुलाल के बादल छा रहे हैं, केसर कुमकुमा से पिचकारी भरके छिरक रही हैं। सखा सखी ताल किन्नरी मुरज डप आदि वाद्य बजा रहे हैं और उन्हीं वाद्यों के बीच में मोहनलाल मुरली में सप्त स्वर छेड़ रहे हैं। आज खेल वृंदा विपिन में जमुना जी के तीर मचा है, जहां मधुर स्वर से शुक कोकिला आदि पक्षियां किलकारी कर रहे हैं, जहां राधा जी सब सखियों के मध्य में विराज रही हैं, वहीं श्री नंदलाल वृक्ष की डार पकड़ के ठाड़े हैं। फिर दोनों यूथ ठाकुर जी का और स्वामी जी के जूथ में खेल हुआ, जिसकी शोभा अधिक शोभायमान हुई। ये लीला का दर्शन करके प्रभु पे कुसुम बरखा करते हुए देवगण बलिहारी जाते हैं। आओ इस पद का श्रवण करें हम राग हिंडोल में। नंद नंदन नवल नागर किशोर वर, खेलत वसंत बन्यो रंग अति भारी। Bye.
अब जो कीर्तन प्रस्तुत होने जा रहा है राग बिलावल में शब्द हैं श्री लक्ष्मण कुल गाइए हो श्री वल्लभ सुवन सुजान लाल मन मोहना हो। यह पद होरी डांडा रोपण के बाद श्रृंगार में गाया जाता है और भी बीच में उत्सव इत्यादि में इसका गान होता है। इस पद में माणिक चंद जी ने श्री महाप्रभु जी गोपीनाथ जी गोसाई जी पुरुषोत्तम जी सातों लाल जियों का स्मरण किया है। कह रहे हैं कि श्री लक्ष्मण कुल गाइए श्री लक्ष्मण भट्ट जी के कुल का गुणगान करो। श्री वल्लभ के सुत गोसाई जी मनमोहन लाल हैं और सोम वंश को सुख देने के लिए द्विज कुल के सूर्य के रूप में आप प्रकट हुए हैं। गुणों के सागर निर्गुण तेजस्वी श्री गोपीनाथ जी हैं, पुरुषोत्तम जी आनंदमय हैं, श्री विट्ठल ब्रज के राजा हैं, उनके मुख की सुखरूप शोभा पर करोड़ों कामदेव और चंद्रमा न्योछावर जाते हैं। पृथ्वी पे ब्राह्मण रूप धारण करके श्रुति पथ को आपने बलवान किया है और पुष्टि मार्ग को प्रकाशित करके माया मत का आपने खंडन किया है। श्री गिरधर जी गुण के आगर पूर्ण परमानंद हैं, राज शिरोमणि करुणामय गोविंद सबके लाड़िले हैं। तृतीय लाल जी श्री बालकृष्ण लाल जी का मुख चंद्रमा जैसा है और नेत्र कमल नयन है। श्री गोकुलनाथ जी प्रिय नम्र दयालु हैं, श्री रघुनाथ जी जग के सुंदर जीवन हैं, श्री यदुनाथ जी रूप राशि पूर्ण काम लक्ष्मीपति हैं, नवीन किशोर घनश्याम जी के अंग अंग सुखदाई हैं। माणिक चंद जी कह रहे हैं इन बालकों को ब्रह्म जानकर वेद उनका विमल यश गाते हैं। श्री वृंदा विपिन सुहावना है और ब्रज लीला के सुख का सार है। माणिक चंद जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु सदैव श्री गोकुल में विहार करते हैं। आओ राग बिलावल में इस धमार का हम श्रवण करेंगे। श्री लक्ष्मण कुल गाइए हो श्री वल्लभ सुवन सुजान लाल मन मोहना हो। श्री लक्ष्मण कुल
अब जो पद प्रस्तुत होने जा रहा है शब्द हैं बरजो जशोदा जी काना। प्रस्तुत पल्ला के पद में सूरदास जी ने उरहाना, जिसे हम शिकायत कहते हैं, वो उरहाना लीला का वर्णन किया है। सखियां श्री जशोदा जी से कह रही हैं, हे जशोदा जी, बरजो अपने काना को कुछ समझाओ, टोको। जशोदा जी बोली, अरे सखी कहे तो सही, क्या समझाऊं, क्या टोकूं, बताओ तो सही क्या हुआ। सखी कह रही है कि क्या बताऊं, अरे जशोदा, जब मैं जमुना जल भरने जा रही थी और ये काना बीच बीच रास्ते में निकल कर अचानक आया और जान कर पड़ने पर भी मेरी गागरी, मना करने पर भी मेरी गागरी को फोड़ डाली, अबीर लेके मेरे मुख पर लपेट दिया, सभी सखियां मुझे ताना मार रही हैं कि तू नहीं बहुत चढ़ाया अब भोग। जशोदा जी कह रही हैं, अरे जा झूठी, मेरा लाल तो नादान बालक है, देख वो पल्ला में झूल रहा है, यहां विरुद्ध धर्माश्रय लीला है, क्योंकि बाहर देखूं तो 12 बरस को और घर में देखूं तो मैया झूले पल्ला। अरे सखी तू फट आ गई उरहाना देने के लिए, पर ये बालक नादान है, ये रस की बातें करना क्या जाने, दुनियादारी का खेल क्या जाने ये बालक। ए बहना तुम कहां भूल रही हो। गोपी बोली, अरी हम तो तुम्हें कह रही हैं, मानना नहीं मानना तुम्हारे हाथ में है। जशोदा जी तुम साची हो, तुम्हारा बेटा सच्चा है, बस हम ही झूठ बहाना कर रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी जन कह रही हैं कि ब्रज में रहना है, ब्रज छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना, तुम अपनी मनमानी करो। और इस पद में बहुत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया, बरजो जशोदा जी काना। आओ पल्ला के इस पद का हम श्रवण करें। राग काफी सुंदर पद छे, ठाकुर जी ने अद्भुत लीला नु पद, बरजो जशोदा जी काना पल्ला नु पद छे। पर जो जसोदा जी काना काना, पर जो जसोदा जी काना, पर
Oh.